गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस के प्रकार। तो बच्चों, आप जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में सेंटेंसेस सिखाए थे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं। तो आपको क्या पता चला था कि सेंटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और आज हम क्या सीखेंगे कि सेंटेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं, मतलब सेंटेंसेस के प्रकार कितने होते हैं। ओके, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स। क्या हुआ बच्चों, सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स, मतलब सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स, मतलब उनके मीनिंग्स के अनुसार, उनके अर्थ के अनुसार। तो सेंटेंस को आप जानते हो कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। तो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं उनके अर्थ के अनुसार। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला होता है, कौन सा होता है बच्चों, असर्टिव सेंटेंसेस। इसमें हम क्या देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्या स्टेटमेंट चल रही है। उसके बाद आपका देखिए सेकंड क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम देखते हैं क्वेश्चन फॉर्म कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब हम किससे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को क्या देते हैं, किससे रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कमांड देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ओके, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ऐसा करिए। चलिए उसके बाद अगला है एक्सक्लेमेशन, इसमें हम फीलिंग, जो अचानक से हमारे अंदर फीलिंग आती है उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो आपको क्या पता चला कि सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेशन। एक बार फिर से बोलिए, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेशन। असर्टिव सेंटेंस में हम किसी भी स्टेटमेंट पर बात करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम किसी भी क्वेश्चन फॉर्म मतलब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन पर बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को कमांड देते हैं। और एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस में हम अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, मतलब जो अचानक से जो फीलिंग उत्पन्न होती है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट जो काइंड है हमारा सेंटेंस का, वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग। A sentence says or states something. मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस कहता है, says मतलब कहता है और states something और स्थिति बताता है, मतलब एक सेंटेंस, एक वाक्य कुछ कहता है या स्थिति बताता है। ओके, सच अ सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य एक स्टेटमेंट कहलाता है या असर्टिव सेंटेंस होता है। पता है आपको, असर्टिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं या फिर हम नेगेटिव स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस 2 तरीके के हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब पॉजिटिव में हो गया, और अगर हम कोई स्टेटमेंट नेगेटिव में दे रहे हैं तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, द रोज इज रेड। तो मतलब क्या है, गुलाब लाल है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी वाक्य में क्या करते हैं, एक कथन कहते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट देते हैं। तो द रोज इज रेड मतलब गुलाब लाल है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हम सकारात्मक वाक्य में बात कर रहे हैं। ओके, अब सेकंड सेंटेंस देखिए, बॉयज प्ले क्रिकेट, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब लड़के क्रिकेट खेलते हैं।
तो यहाँ पर भी हम कैसे बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। ओके चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए, शी डज नॉट टेल अ लाई, मतलब वह झूठ नहीं बोलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हम नकारात्मक तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोलती है। तो यहाँ पर हमने नॉट का मतलब नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। तो शी डज नॉट टेल अ लाई मतलब वह झूठ नहीं बोलती है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, माई टीचर इज नॉट फैट, मतलब मेरी अध्यापिका मोटी नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो हम नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो जहाँ हम सकारात्मक मतलब पॉजिटिव बात करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, और जब हम नकारात्मक मतलब नेगेटिव बात करते हैं तो वो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। ओके तो ऑल द असर्टिव सेंटेंस एंड विद द फुल स्टॉप, मतलब जो भी हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप पर ही खत्म होते हैं। ओके तो ऑल द असर्टिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, मतलब सभी असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो। ओके चलिए तो बच्चों अब हम अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा बच्चों, देखिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं अब हम ये देखते हैं। अ सेंटेंस मे आस्क समथिंग, मतलब एक वाक्य कुछ भी पूछता है, एक वाक्य जब कुछ पूछता है, सच अ सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, ऐसे वाक्य प्रश्न ऐसे वाक्य क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। सच अ सेंटेंस इज अ क्वेश्चन मतलब ऐसे सेंटेंस प्रश्न होते हैं, जैसे हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या होता है, प्रश्न ही तो कहलाता है, ऐसे ही। एग्जाम्पल्स देखते हैं चलिए, आर दे स्टूडेंट, क्या वे छात्र हैं, आर दे स्टूडेंट क्या वे छात्र हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर किसी से एक प्रश्न पूछ रहे हो, क्या वे छात्र हैं, तो आर द स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है और आप क्या कर रहे हो, एक प्रश्न पूछ रहे हो। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे हो आप किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, मतलब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए, Why has he no parents? Why has he no parents? मतलब उसके माता पिता क्यों नहीं हैं? उसके माता पिता क्यों नहीं हैं? Why has he no parents? तो यहाँ पर भी आप क्या पूछ रहे हो बच्चों? क्वेश्चन पूछ रहे हो कि उसके माता पिता क्यों नहीं हैं? ओके चलिए अगला सेंटेंस देखिए, How is she not a Bengali? How is she not a Bengali? मतलब वह बंगाली कैसे नहीं है, हाउ इज सी नॉट अ बंगाली, मतलब क्या हुआ बच्चों, वह बंगाली कैसे नहीं है। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हो। और आप जानते हैं जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनमें क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा कहाँ आती है, सबसे आगे आती है, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है, बिगिनिंग में आती है। ओके चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। तो ऑल दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस डाउट द स्पीकर्स विश टू नो समथिंग अबाउट विच दे आर नॉट श्योर, मतलब क्या है बच्चों, दीज ऑल सेंटेंसेस, ये सभी वाक्य एक्सप्रेस डाउट मतलब ये संदेह व्यक्त करते हैं, मतलब ये संदेह में होते हैं। तो ऑल दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस डाउट मतलब ये डाउट को एक्सप्रेस करते हैं। द स्पीकर विश टू नो समथिंग अबाउट विच दे आर नॉट श्योर, मतलब द स्पीकर विश टू नो मतलब क्या है, जो स्पीकर है वो जानना चाहता है समथिंग कुछ, तो जो स्पीकर है वो कुछ जानना चाहता है, मतलब किसी के बारे में जानना चाहता है, विच दे आर नॉट श्योर मतलब जिसमें वे निश्चित नहीं है। तो क्या है कि ये सभी जो सेंटेंस हैं ये एक्सप्रेस करते हैं, ये सभी सेंटेंस क्या डाउट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और जो स्पीकर होता है वह कुछ जानना चाहता है जिसके बारे में वे निश्चित नहीं है, जिसके बारे में वो श्योर नहीं है। ओके
दीज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। ये कैसे सेंटेंस कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। बिकॉज दे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन अबाउट समथिंग, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसीलिए ये है क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। ओके चलिए देखिए, दीज सेंटेंसेज ऑलवेज एंड विद अ एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, मतलब ये सेंटेंसेज हमेशा क्वेश्चन मार्क पर खत्म होते हैं। ये सेंटेंसेज हमेशा किस पर खत्म होते हैं बच्चों? क्वेश्चन मार्क पर खत्म होते हैं। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको असर्टिव सेंटेंसेज और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज समझ आए? तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में हम दो तरीके के स्टेटमेंट पर बात करते हैं, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि जो भी हम बात बोल रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो असर्टिव सेंटेंस में हम किसी भी स्टेटमेंट पर बात करते हैं और जब वो हमेशा जब उसका एंड होता है तो वो फुल स्टॉप पर होता है। तो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप पर ही समाप्त होते हैं, उनका एंड हमेशा फुल स्टॉप पर ही होता है। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वे क्या करते हैं? वे किसी से प्रश्न पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि जो बात हो रही है वो क्या है, तो वहां पर क्या होता है, वे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, और इनका जो एंड होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क पर होता है। किस पर होता है बच्चों? क्वेश्चन मार्क पर होता है। ओके चलिए, तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस मे बी अ कमांड, विश और रिक्वेस्ट। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे या तो कमांड करते हैं या विश करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी से आज्ञा मांगते हैं। सच अ सेंटेंस इज अ डिजायर। कैसे सेंटेंस होते हैं? ये डिजायर सेंटेंस होते हैं, मतलब आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इनके एग्जाम्पल। शट द डोर, मतलब दरवाजा बंद करो, मतलब ये किसी को कमांड दे रहे हैं कि दरवाजा बंद करो। इस सेंटेंस में हम किसी को कमांड दे सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सच अ सेंटेंस इज अ डिजायर। ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं? एक डिजायर होते हैं। चलिए, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को कमांड दे रहे हैं। फिर सेकेंड सेंटेंस देखिए, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दो या कृपया मुझे पेन दो। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो बच्चों? आप यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कृपया मुझे पेन दो। डोंट टॉक, डोंट टॉक, बात मत करो। क्या बोल रहे हो यहां पर? आप कमांड दे रहे हो कि बात मत करो, डोंट टॉक। अब फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। यहां पर भी आप क्या कर रहे हो? कमांड दे रहे हो कि बच्चों हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम किसी को कमांड देते हैं या उस या विश करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस काम को इस तरीके से करो, कृपया ऐसा करो, कृपया मेरे लिए एक पेन दो। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ आया आपको? अब आगे देखिए, दीज सेंटेंसेज एंड विद द फुल स्टॉप। ये सेंटेंस भी हमेशा किस पर खत्म होते हैं बच्चों? फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। These sentences end with the full stop. ये sentences भी किस पर खत्म होते हैं? Full stop पर खत्म होते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको कौन कौन से sentence समझाया? मैंने आज आपको sentences के कौन कौन से प्रकार सिखाए बताइए, बताइए जल्दी। Assertive sentence, interrogative sentence and imperative sentence. और कल हम exclamatory sentence सीखेंगे। ओके, कौन से सेंटेंस सीखेंगे? कल हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखेंगे। ओके चलिए, तो आज आप मुझे बताइए कि आपको असर्टिव, इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ आए। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको घर पर इस चैप्टर को दोबारा से रीड करना है और असर्टिव, इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ओके चलिए, गुड बाय।